दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला को किस तरह से मारा गया ये तो आप सभी जानते हैं, कैसे एक बेहतरीन सिंगर और रैपर को गैंगस्टर्स ने मार गिराया। लेकिन अब ये चीज यहीं पर थमने वाली नहीं है। इस हादसे के बाद तो गैंगस्टर का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से अब अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि भारत के भाईजान सलमान खान है। जी हाँ, अब सलमान खान के ऊपर गैंगस्टर्स अपना निशाना साधे हुए हैं। तो क्या पूरी सच्चाई है और कौन लोग सलमान खान के पीछे पड़े हैं, इस चीज को जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि इंसान के पास नाम, शोहरत, पैसा जितना ज्यादा आता है उसके दुश्मनों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से लोगों को अपने साथ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि भले ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्यार करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हो, लेकिन अगर कुछ दर्जन लोग भी उनकी जान के दुश्मन बन जाए तो उनके लिए खतरा हो सकता है। और ऐसा ही कुछ सलमान खान के साथ भी देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, सलमान खान की जान खतरे में थी तो वो हैदराबाद पुलिस ने शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया और उस शार्प शूटर ने जो बताया उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और आप अगर सलमान खान के फैन हैं तब तो आपके होश उड़ जाएंगे। असल में सलमान खान को मारने आया जो शार्प शूटर था उसका नाम संपत नेहरा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये वही शख्स है जिसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। जब संपत नेहरा हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया तो पता चला इसके ऊपर 20 से ज्यादा हत्या और हत्या करने की कोशिश के साथ साथ किडनैपिंग और फिरौती मांगने की भी केस दर्ज है। गुरुग्राम एसटीएफ के मुताबिक संपत ने पकड़े जाने के बाद ये बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान खान को मारने जा रहा था और तो और मर्डर की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। सलमान खान मुंबई के जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, संपत दो दिनों तक उसके चक्कर लगाता रहा। इसके अलावा संपत को सलमान के आने जाने का वक्त और उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी पूरी जानकारी थी। और सलमान को मारने के इरादे से ही संपत सलमान का फैन बनकर सलमान के घर के सामने भी जा चुका था, जहां संपत देख रहा था कि सलमान कितनी दूरी से अपने फैन से मिलते हैं और किस हथियार से कितनी दूरी तक गोली चलाई जा सकती है। यानी संपत सलमान खान को मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका था और ये सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर हो रहा था। संपत का कहना था कि सलमान खान की मौत के बाद वो देश छोड़कर भागने वाला था। अब लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी तो पहले ही दे चुका था और जब इसने सिद्धू मूसेवाला को मारा तो लोगों को लगने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के अंदर से डर और खौफ जैसी चीजें हट गई है, वरना कौन बंदा होगा जो किसी मशहूर आदमी को मारने के बाद खुद ही जुर्म स्वीकार कर ले। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपनी दुश्मनी को किसी भी चीज से ऊपर रखता है और वो शुरुआत से ही सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ था। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के नाम का आतंक फैला हुआ है। अब तक लॉरेंस के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 30 में वो बरी भी हो चुका है। लॉरेंस हत्या, लूट, रंगदारी, वसूली जैसे अपराध करता रहा, जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा, यही लॉरेंस का काम है। लेकिन जेल जाने के दौरान वो अपने आतंक को कम नहीं करता था, लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देता था, जिसमें वो शार्प शूटर हायर करता जिनसे वो अपना काम करवाता था। लॉरेंस बिश्नोई कोई भी कांड न कर सके इसलिए उसे अजमेर की सुरक्षित जेल में भेजा गया, लेकिन वहां भी उसने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने अपने पास मोबाइल का इंतजाम किया और जब उसके पास मोबाइल आया तो फिर लॉरेंस की कोई चिंता ही नहीं थी, उसका सारा काम मोबाइल से हो जाता था। जेल के अंदर जहां लोग जाने से भी डरते हैं, वही लॉरेंस बिश्नोई ऐसा रहता था जैसे अपने ससुराल घूमने आया हो। लॉरेंस को किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी, उसको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता था कि वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है, जिसके लिए लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी कर सकता है। अब सवाल आता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान के पीछे क्यों पड़ा है। तो दोस्तों, सलमान खान का राजस्थान में हिरण को मारने वाला कांड तो आपको याद ही होगा, जिसके चक्कर में सलमान खान को जेल और कोर्ट कचहरी के खूब चक्कर लगाने पड़े थे।
आपको बता दें, जिन लोगों ने सलमान खान के खिलाफ केस किया था वो बिश्नोई समाज के लोग थे, क्योंकि यही लोग काले हिरण की पूजा करते हैं। इसलिए जब काले हिरण के शिकार की बात हुई तो बिश्नोई समाज ने सलमान खान के ऊपर केस ठोक दिया, जिसके चक्कर में सलमान खान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, जिस बिश्नोई समाज ने सलमान खान के ऊपर केस ठोक दिया, उसी बिश्नोई समाज से निकला एक लड़का जब गैंगस्टर बनेगा तो उसका सबसे पहला निशाना तो सलमान खान ही होगा ना, जो पहले ही बोल चुका था कि हमारे यहाँ के काले हिरण को सलमान खान ने मारा है, अब वो सलमान खान को मारेगा। हालांकि जब शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी तो कोई भी इस बात को सच नहीं समझ रहा था, क्योंकि अक्सर लोग सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की चीजें कर जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को मारने के लिए कई बार प्लान बनाए, जिनमें से कुछ तो सफल भी होने वाले थे, लेकिन खुशकिस्मती से लॉरेंस कहीं ना कहीं चूके जा रहा था। पर जब उसने सिद्धू मूसे वाला को मारा तो लोगों को यकीन होने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि पहले उसका निशाना सिर्फ सलमान खान था, लेकिन सलमान खान के गिरेबान तक न पहुंच पाने के बावजूद वो सिद्धू मूसे वाला के पीछे पड़ा हुआ था और लगातार उसे हत्या की धमकी दे रहा था। सिद्धू मूसे वाला को लगा कि ये सारी चीजें केवल धमकियों तक ही सीमित रहेगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करके साबित कर दिया कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता। यही जान का खतरा सलमान खान के ऊपर भी मंडरा रहा है। अब इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है इससे कैसे बचा जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।